नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कांग्रेस की बैठक की। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी, शाम 6 बजे ये बैठक होगी। बता दें एआईसीसी हेडक्वार्टर में ये बैठक होगी। एमपी और छत्तीसगढ़ में सीटों पर मुहर आज लग जाएगी। एमपी से जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, ओमकार सिंह मरकाम इस बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी है कि एमपी में कई विधायकों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। छिंदवाड़ा, बैतूल, राजगढ़, झाबुआ, गुना, धार, देवास, सीधी पर पहली लिस्ट में घोषणा संभव है। तो वही जिक्र अगर छत्तीसगढ़ का किया जाए तो 11 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता बैठक में शामिल होंगे। तो कांग्रेस की आज सीईसी की बैठक है और बैठक के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आज इस बैठक में मुहर लग जाएगी और उसके बाद जो है नामों का ऐलान हो जाएगा, जो सूची है वो जारी हो जाएगी। पहली सूची मध्य प्रदेश के लिए जारी हो जाएगी। तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के भी जो उम्मीदवार होंगे उनको उनके नामों का भी ऐलान, जो सूची रहेगी वो जारी कर दी जाएगी। तो लंबा मंथन चल रहा था लगातार कांग्रेस में और मंथनों के बाद मुहर आज बैठक में लग जाएगी कि आखिर किसे किसे मैदान में उतारना है, किसे बड़ी जिम्मेदारी देनी है, लोकसभा उम्मीदवार बनाना है। इस पर मंथन लगातार कांग्रेस कर रही है और मध्य प्रदेश में तो विधायकों को भी जो है चुनाव लड़ाने की तैयारी में कांग्रेस है। आखिर वो कौन कौन से नाम होंगे, संभावित उम्मीदवारों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो नाम लगातार फ्लैश हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको नाम, वो ये नाम हैं जो मैदान में उतारे जा सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो छत्तीसगढ़ में कई बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें मैदान में उतारने की तैयारी में कांग्रेस है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, डेप्यूटी सीएम, पूर्व डेप्यूटी सीएम, वहीं ताम्रध्वज साहू हो सकते हैं, दीपक बैज हो सकते हैं। तो ये लिस्ट में तमाम वो बड़े नाम हैं जो शामिल रहेंगे और कई सारे नए चेहरे भी इस लिस्ट में नजर आएंगे। तो मिलता जुलता यहां पर सब कुछ नजर आएगा। पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया जाएगा, कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा। इस तरह की कुछ मिलीजुली लिस्ट जो है कांग्रेस की छत्तीसगढ़ से रहने वाली है। वहीं अगर जिक्र मध्य प्रदेश का किया जाए तो यहां पर भी कुछ नए चेहरे मैदान में दिख सकते हैं और साथ ही साथ कई ऐसे विधायक भी जो लंबे वक्त से जीतते आ रहे हैं या उनका दबदबा है, वो भी जो है मैदान में उतारे जा सकते हैं। उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लोकसभा उम्मीदवार, ये भी कयास है। बड़े बड़े नाम जो हैं सामने आ रहे हैं, जैसे ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, संभावित उम्मीदवार जो हैं ये मैदान में हो सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। कांतिलाल भूरिया झाबुआ से उतारे जा सकते हैं, आप देख रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा हैं, इन्हें देवास से मैदान में उतारा जा सकता है। कमलेश्वर पटेल हैं, सीधी से ये मैदान में उतारे जा सकते हैं। वहीं कांतिलाल भूरिया हैं, तो ये संभावित वो नाम हैं जिसकी लिस्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बस अब आज मुहर लग जाए नामों पर, उसके बाद जब सूची आएगी तो देखने वाली बात होगी कि कितना क्या आखिर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, संभावित नामों की सूची तो हम लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से नाम हैं जो सामने आ सकते हैं, जिन्हें उम्मीदवार कांग्रेस बना सकती है, क्योंकि लंबा मंथन भी कांग्रेस को करना पड़ रहा है, क्योंकि कई सारी सीटें ऐसे हैं जहां पर बीजेपी ने दिग्गज उतारे हैं, वहां पर कड़ा मुकाबला रहेगा, इसलिए वक्त शायद कांग्रेस भी ले रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि वक्त इसलिए लिया जा रहा है कि 2019 के अगर नतीजे उठाकर देखें तो एक सीट मात्र छिंदवाड़ा थी जिस पर कांग्रेस को जीत हासिल मिली थी। मजबूत किले का एक के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से भी चुनाव हार गए थे, तमाम और दिग्गज नेता चुनाव हारे थे। तो एक तो उससे सबक लिया जा रहा है कि आखिर प्रत्याशी कैसे मैदान में उतारे जाए। दूसरा, हाल ही में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में कांग्रेस अब प्रत्याशी चयन को लेकर चिंतन और मंथन करने में लगातार जुटी हुई है। कई दौर
की बैठकें जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित की गई, दिल्ली में भी बैठकें आयोजित हुई, और आज जो महत्वपूर्ण बैठक सीईसी की होने वाली है उसमें माना जा रहा है कि जो संभावित नाम जो लगातार न्यूज 18 दर्शकों को दिखा रहा है उन नामों पर अंतिम मोहर लग सकती है, चाहे वह कांतिलाल भूरिया हो या फिर नकुलनाथ का नाम की बात हो या फिर जो अन्य जो नेता हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, जीतू पटवारी हो, ये जो सावरे नाम सामने आ रहे हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से, शायद इन पर आज अंतिम मोहर जो लग जाएगी, माना ये जा रहा है कि 14 से 15 नाम जो है वो आज फाइनल कर लिए जाएंगे और एक या दो दिन में नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बाकी के जो नाम है उन पर आगे जाकर मंथन होगा। जिस तरीके से देखिए बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 में से 24 प्रत्याशी अपने घोषित कर चुकी है, तो ऐसे में अब कांग्रेस के पास एक खुला मैदान ये भी है कि वो मैन टू मैन मार्किंग वो कर चुकी है कि आखिर किस प्रत्याशी के सामने किसको उतारा जाए जो ज्यादा प्रभावी होगा। तो ऐसे लोगों का भी अब यही कारण है कि अपने विधायक पूर्व मंत्री पूर्व केंद्रीय मंत्रियों को पार्टी जो है चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। देखिए कांतिलाल भूरिया चूंकि झाबुआ से सांसद रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, उनको झाबुआ सीट पर मैदान में उतार सकती है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को इंदौर से मैदान में उतार सकती है क्योंकि देखिए जो उनका विधानसभा क्षेत्र है जहां से वो चुनाव लड़ते रहे वो उस विधान लोकसभा क्षेत्र में ही आता है। अगर इसी तरह बात करूं तो जो दूसरे अन्य जो प्रत्याशी है उनको भी उनके स्थानीय जो वहां से उतारने का प्लान कांग्रेस बना रही है। जी कांग्रेस प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रही है। शैलेंद्र देखिए यहाँ पर सवाल ये भी है, ठीक मैं आपके पास लौटूंगी शैलेंद्र शिवम प्रताप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। शिवम आपका मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सीईसी की बैठक बेहद खास मान सकते हैं चूंकि इसमें मुहर लगेगी, उसके बाद आखिर क्या लग रहा है, कब तक ये नाम सामने आ सकते हैं और ऐसे कौन कौन से नाम हो सकते हैं दिग्गजों के जो इसमें शामिल हमें नजर आएंगे? देखिए निश्चित तौर पर केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 6 बजे दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में बैठक है। पार्टी के बड़े जो नेता हैं वो इस सीईसी के सदस्य हैं। 16 सदस्यीय समिति में अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम नेता है। आज 10 राज्यों की 100 सीटों पर चर्चा होगी जिसमें मध्य प्रदेश अहम है। अगर कांग्रेस पार्टी की रणनीति की बात करें 2024 लोकसभा चुनाव में जो पार्टी के बड़े नेता हैं उन पर दांव लगाने की पार्टी रणनीति बनाई है, इसके साथ साथ जो मौजूदा सांसद हैं उनको भी टिकट दिया जाएगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो खास तौर पर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, तरुण भनोट समेत कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव जो पार्टी के बड़े नेता हैं अपने लोकसभा क्षेत्रों के चेहरे हैं, पार्टी उनको इस बार मौका दे सकती है। स्क्रीनिंग कमेटी की 2 बार बैठक हुई थी मध्य प्रदेश को लेकर, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट की कर दी गई थी। सभी सीटों पर कई जगह पैनल बनाए गए थे कई उम्मीदवारों के, एक दो जगह ऐसी भी हैं जहाँ सिंगल नाम भेजे गए हैं। आज शाम 6 बजे ये बैठक होगी, उसके बाद इन तमाम प्रत्याशियों के उम्मीदवारी पर फाइनल मोहर लग जाएगी और उसके बाद कभी भी आज शाम की सीसी बैठक के बाद कभी भी उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। कांग्रेस बात को बखूबी समझती है कि लोकसभा चुनावों में जो मैसेजिंग है वो बड़ा अहम फैक्टर निभाती है। बीजेपी ने पहले ही कई उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर जानकारी मिल रही है और विधानसभा में जिस तरह से हार कहीं ना कहीं कांग्रेस ने देखी तो इस बार शिवम ये भी है कि बहुत ज्यादा सोच विचार कर मंथन कर करके ये लिस्ट बनाई जाए और इसे सामने किया जाए क्योंकि इतना आसान नहीं होगा लोकसभा चुनाव जैसे नतीजे विधानसभा चुनाव में हमने देखे कांग्रेस के। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका भी शैलेंद्र जुड़े हुए थे, शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में आज कांग्रेस की सीईसी की बैठक है और एमपी और छत्तीसगढ़ लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय होने की संभावना है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने कहा कि आज की बैठक में सभी सीटों पर योग्य उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लग जाएगी। कांग्रेस की बैठक पर बीजेपी ने तंज भी कसा। बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव ने कहा कि कांग्रेस में दबाव की राजनीति चल रही है, कमलनाथ अपने लोगों को टिकट दिलाना चाहते हैं तो जीतू पटवारी अपने हिसाब से फैसला करना चाहते हैं, इन सबके बीच दिग्विजय सिंह बैकडोर से अपने नेताओं को टिकट दिलाना चाहते हैं। तरीके से हमें लगता है कि कहीं ना कहीं लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें मध्य प्रदेश के भी कुछ टिकट शायद डिक्लेयर हो सकते हैं। तो शाम 7 बजे मीटिंग है और उसमें हमारे सारे जो लीडर्स हैं जितने भी उसमें मेंबर हैं वो सब कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के सभी सीनियर लीडरान उसमें शामिल होंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी में आज महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि जिस प्रकार से दबाव की राजनीति कमलनाथ जी कर रहे हैं और जीतू पटवारी अपनी चलाने का प्रयास कर रहे हैं तो इसमें चलती किसकी ये देखना होगा कि दबाव की राजनीति में अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाना है। लेकिन जीतू पटवारी के सामने संकट है, 29 लोकसभा के लिए 29 नाम भी उनके पास नहीं है। आज भी वो मध्य प्रदेश का दौरा नहीं कर पाए, कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाए, आज भी उनके कार्यकर्ताओं में उनके प्रति जो निराशा भाव है वो जागृत है। और तो दबाव की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के सामने जो प्रत्याशी हैं उनको चयन करना ही मुश्किल हो गया है।
फिल्म अभिनेत्री और मथुरा सांसद हेमा मालिनी उज्जैन में इस्कॉन मंदिर पहुंची। हेमा मालिनी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने उनको दोबारा मथुरा से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। मैं कृष्ण भक्तों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। सुनिए। और मथुरा के सांसद बनकर मैं बहुत काम कर रही हूँ और मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, उन्होंने मुझे वापस तीसरी बार मथुरा से सांसद बनने का अवसर दिया है। चुनाव में मैं भी हूँ तो ये ब्रजवासियों के लिए और कृष्ण भक्तों के लिए ये बहुत ही अच्छा, मैं समर्पित करूँगी अपने आप। सागर से बड़ी खबर का जिक्र, ट्रक ने बस को टक्कर मार दी और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हैं। हादसे में बस और ट्रक ड्राइवर की मौत की भी खबर है। एक महिला की भी हादसे में मौत हो गई। बस में सवार थे करीब 50 यात्री। घायलों को खुरई अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खुरई से खिमलासा ये यात्री बस जा रही थी और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। ट्रक ने बस को टक्कर मार दी जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, एक महिला शामिल है इसमें। जबलपुर में 50 लाख रुपए की लूट हुई है। चरगवा पुलिस थाना से 200 मीटर की दूरी पर यह लूट होना बताई जा रही है। ड्राइवर की आंखों में मिर्ची डालकर 50 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कंपनी के अधिकारी से बाइक सवार लुटेरों ने यह लूट की है। 50 लाख रुपए लेकर बोलेरो से जा रहे थे नरसिंहपुर और इसी बीच ये घटना हुई और ये वारदात हुई, चोरी की वारदात, लूट की वारदात। क्राइम ब्रांच फिलहाल लूट की जांच पड़ताल कर रही है। टीकमगढ़ में तालाब में मिली बच्ची का शव, अब इस पूरे मामले में शिनाख्त जा रही है। बता दें तालाब से शव तो निकाल लिया गया है, करीब ये 5 से 6 साल की बच्ची बताई जा रही है। महेंद्र सागर तालाब में बच्ची का शव मिला और आखिर ये बच्ची कौन है, साजिश है या हादसा है, बच्ची यहाँ कैसे पहुंची, सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। छिंदवाड़ा के जनार्देव क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर देने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले को 12 घंटे में ही सुलझा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी बुआ के यहां आया था, उसी गांव में उसने इस नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गांव के ही एक नाबालिग लड़की को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया, उसकी कोशिश की। जब इस नाबालिग ने विरोध किया तो सोनू ने उस पर कुल्हाड़ी से वार किया, इसके बाद गला दबाकर हत्या कर दी। मामले को छुपाने के लिए आरोपी ने नाबालिग का शव पास की झाड़ियों में फेंक दिया। उज्जैन में खाद्य विभाग की मिलावटखोरों के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है। खाद्य विभाग की टीम ने इंदिरानगर चौराहे पर दूध सप्लाई करने वाले वाहनों की चेकिंग की, टंकियों में से दूध के सैंपल लिए। अब दूध डेयरी संचालकों को भी लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने 1800 लीटर दूध के सैंपल लिए। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जिला कलेक्टर के निर्देश पर जो हम लगातार मिलावट मुक्ति अभियान के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं और जैसा कि दूध और दूध के बने पदार्थों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो बाहर से जो दूध आते हैं उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए हमें चेक पॉइंट लगाकर समय समय पर जाँच करते रहते हैं और इसी क्रम में आज हम आगे रोड पर चेक पॉइंट लगा के हम जाँच कर रहे थे तो हमने दूध वाहनों को रोका। कुछ मोटरसाइकिल पर जिन पर लाइसेंस नहीं मिला मोटरसाइकिल पर, उनके बिना लाइसेंस का कार्रवाई की जाएगी। अब खबर बैतूल से है। एक अनोखी शादी होने जा रही है। ये शादी रेलवे स्टेशन पर ही होगी, एक महिला कूली की होगी। नारी शक्ति की मिसाल लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर महिला कूली दुर्गा की सारी रस्में बैतूल रेलवे स्टेशन पर की जा रही हैं और इस शादी की सबसे खास बात यह है कि शादी का खर्च बैतूल आरपीएफ, समाजसेवी, व्यापारी और जनप्रतिनिधि मिलकर उठा। पापा चल फिर भी नहीं सकते थे और उन्होंने सोचा कि बेटा तो नहीं है बल्कि मैं कैसे संभाल पाऊँगा घर का। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बेटी होके एक बेटा भी बन के काम कर सकती हूँ और मैंने किया। क्या काम किया आपने? कुली का काम। कितने साल से कर रही हैं? 2011 से। जब दुर्गा के विवाह की बात सामने आई तो बहुत कम समय में ये चीज़ें हुई और बहुत लोगों तक फिर भी मैसेज नहीं पहुंच पाया, लेकिन जिन लोगों को हम संपर्क कर पाए उन सभी ने दिल खोलकर दुर्गा की शादी के लिए मदद की है। उसे आशीर्वाद देने आए हैं, ईश्वर उसका जीवन मंगलमय करे और ऐसी बच्ची
जो पूरे समाज के लिए एक उदाहरण है, उसकी प्रेरणा पाके बाकी बच्चियों को भी अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने आप को खड़ा करना चाहिए। तो सब ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ। पटेल की एक कांस्य प्रतिमा प्रमाण थी कि भारत